बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आई एम योर टीचर जवेरिया कंवल एंड आई विल टीच यू योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक वन फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, क्लास 8th में आप लोग इंग्लिश में इसी बुक की स्टार्टिंग के जो 10 यूनिट्स हैं वो आपने पढ़े और उनकी एक्सरसाइजेस की। इंशाल्लाह बाकी बुक को हम यहाँ क्लास 9th में कंटिन्यू करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। आज मैं आपको यहाँ पे जो यूनिट पढ़ा रही हूँ वो आपका यूनिट है हेल्थ इज़ वेल्थ, और बुक में ये आपका पेज नंबर 66 होगा। आप सबको रीडिंग के लिए बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक का जो अब सेक्शन है, सेक्शन बी जो है जिसमें टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, उसमें से कोई भी चीज़ पूछ ली जाती है। कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जाते हैं, प्लस उसमें आपके आरटीसीज होते हैं, प्लस उसमें ब्लैंक्स होती हैं, और ये आप तब भी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपने यूनिट्स को प्रॉपरली रीड किया हो और उन्हें ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ा हो। ओके, यूनिट इज हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ, वैसे तो ये एक प्रोवर्ब भी है, यानी ये एक मुहावरा भी है, जिसे हम कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो इसलिए हम इसकी जो है वो ट्रांसलेशन हम तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है भी कर सकते हैं और तंदुरुस्ती एक दौलत है के तौर पे भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। वन डे काशिफ वेंट शॉपिंग विद हिज मदर। एक्चुअली ये यूनिट जो है इस बेसिकली एक डायलॉग है जो कि दो कैरेक्टर्स हैं, काशिफ और उसकी मदर, और उन दोनों के दरमियान आपस में डायलॉग की सूरत में ही जो है वो डिस्कशन हुई भी है। तो अब यहाँ पे देखें, इसका पहला सेंटेंस जो है इसका मतलब हुआ कि एक दिन काशिफ अपनी मदर के साथ, अपनी वालिदा के साथ खरीदारी के लिए बाजार गया। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, ठीक है। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, जैसे कि वो मिठाइयों का या मीठे का बहुत शौकीन था। He asked his mother, उसने अपनी वालदा से कहा, if he might buy some, कि क्या वो कुछ खरीद सकता है, यानी कि उसने अपनी वालदा से फरमाइश की कि वो कुछ मीठा खरीदना चाहता है। Mother, no, no, काशिफ, mother, यानी कि उसकी वालदा ने आगे से कहा, नहीं नहीं काशिफ, you shouldn't buy any sweets from this shop, आपको इस दुकान से कुछ मीठा नहीं खरीदना चाहिए। See, देखो, flies are sitting on them, मक्खियाँ उन पर बैठ रही हैं। If you eat those sweets, अगर आप वो मीठाई खाओगे, you will fall ill, आप बीमार हो जाओगे। काशिफ, ऑल राइट मदर, ठीक है अम्मी जान, लेट्स वॉक अक्रॉस द रोड, चलें सड़क के उस पार चलते हैं। लुक, हेयर इज अनदर शॉप, देखिए यहाँ पे एक और दुकान है। शेल वी बाय सम फ्रॉम हेयर, क्या हम यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। मदर, यस, इट्स अ क्लीन वन, हाँ ये एक साफ दुकान है। देयर आर नो फ्लाइज, यहाँ पर मक्खियाँ नहीं हैं। ओ नो, अरे नहीं, आई हैव जस्ट सीन अ मैन स्वीपिंग द रोड बाय द शॉप, मैंने अभी एक आदमी को सड़क के किनारे झाड़ू देते देखा है। देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल है, डस्ट हम धूल को कहते हैं। यू ऑडेंट ईट एनी थिंग, आपको ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए इफ़ देयर इज डस्ट ऑन इट, अगर उस पर धूल हो। फ्लाइज एंड डस्ट कैरी हंड्रेड्स ऑफ जर्म्स, मक्खियाँ और धूल सैकड़ों की तादाद में जरासीम लाती हैं। एंड दे आर एनिमीज ऑफ आवर हेल्थ, एनिमी वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हो, एनिमी हम दुश्मन को कहते हैं और हेल्थ हम सेहत को कहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि वो हमारी सेहत की दुश्मन है। काशिफ, प्लीज मदर, टेल मी मोर अबाउट दीज जर्म्स, काशिफ प्लीज़ अम्मी जान, मुझे इन जरासीमों के बारे में और बताइए। मदर, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनो या बहुत गौर से सुनो। दीज जर्म्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, ये जरासीम बहुत छोटे जानदार अजसाम होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, इन्हें महज आँख से या ज़ाहरी आँख से देखा नहीं जा सकता। यू ओनली सी दैम थ्रू अ माइक्रोस्कोप, आप इन्हें सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। काशिफ, हाउ डू द फ्लाइज कैरी देम, तो फिर मक्खियाँ इन्हें कैसे ले जाती हैं। मदर, यू हैव सीन फ्लाइज सिटिंग ऑन डर्टी थिंग्स, आपने देखा होगा कि मक्खियाँ गंदी चीज़ों पर बैठती हैं। देर आर जर्म्स ऑन दीज थिंग्स, इन चीज़ों पर जरासीम होते हैं। एंड दे स्टिक टू द फ्लाइज लेग्स,
और वो मक्खियों की टांगों पर चिपक जाते हैं। व्हेन द फ्लाई सेट एंड वॉक ऑन आवर फूड, जब ये मक्खियाँ बैठती हैं या चलती हैं हमारी गजा पर या खाने की चीज़ों पर, द जर्म स्टिक टू इट, तो जरासीम वहाँ चिपक जाते हैं। एंड व्हेन वी ईट दैट फूड, और जब हम वो चीज़ें खाते हैं, द जर्म्स गेट इन टू आर बॉडीज, जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं एंड मेक अस इल, और हमें बीमार कर देते हैं। काशिफ, ओ आई सी, सो वी शुड नेवर ईट सच स्वीट्स एंड फूड दैट आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड। काशिफ, ओ अब मैं समझा, हमें कोई ऐसी मिठाई या खाना नहीं खाना चाहिए जो कि सही तौर से ढका हुआ ना हो। मदर, डस्ट ऑल्सो कैरीज जर्म्स। वालिदा आगे से जवाब देके देखे हैं कि धूल जो है वो भी जरासीम लाती है। वी कांट सी दैम, हम उन्हें देख नहीं सकते, बट द एयर इज फुल ऑफ दैम, लेकिन हवा इनसे भरी है या भरी होती है। सो यू मस्ट रिमेम्बर, इसलिए आपको जरूर याद रखना चाहिए, नॉट टू ईट फूड, कि वो खाना ना खाओ, इफ फ्लाइज हैव बीन सिटिंग ऑन इट, अगर उस पर मक्खियां हो, और इफ देयर इज डस्ट ऑन इट, या उस पर धूल हो। काशिफ, राइट, आई वॉन्ट बाय एनी थिंग फ्रॉम दीज शॉप्स, मैं इन दुकानों से कुछ नहीं खरीदूंगा, वेयर थिंग्स आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड, जहां पर चीजें मुनासिब तरीके से ढकी हुई ना हो। मदर, अ ग्रेट मैनी डिजीजेज आर कॉज्ड बाय दीज जर्म्स, बहुत सी बीमारियां या बहुत बड़ी तादाद में बीमारियां जो हैं वो इन जरासीमों से पैदा होती हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, द जर्म्स ऑफ टाइफॉइड एंड सेवरल अदर डिजीजेज आर कैरीड बाय फ्लाइज, टाइफॉइड और दूसरी कई दीगर बीमारियों के जरासीम जो हैं वो ये मक्खियां ही लाती हैं या फैलाती हैं। काशिफ, बट मदर, आई हैव रिटन माई बुक दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ काइंड ऑफ मॉस्किटो, लेकिन वालिदा मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि मलेरिया जो है वो एक किस्म के मच्छर से फैलता है, एंड नॉट बाय फ्लाइज, और मक्खियों से नहीं। मदर, ट्रू, यू आर राइट, ठीक, तुम ठीक कह रहे हो, वन कैन गेट मलेरिया फ्रॉम अ मॉस्किटो बाइट, इंसान को मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है। काशिफ, वेयर डू द मॉस्किटोज लिव, मच्छर कहाँ रहते हैं। मदर, दे लिव इन स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ठहरे हुए या रुके हुए पानी के लिए, ठीक है, दे लिव इन स्टेगनेंट वाटर, ये रुके हुए पानी में या ठहरे हुए पानी में रहते हैं। सम पीपल यूज कैरोसिन ऑयल एंड DDT टू किल द मॉस्किटोज, कह रहे हैं कि कुछ लोग कैरोसिन ऑयल, हम बेटा मट्टी के तेल को कहते हैं, और DDT एक इंसेक्टिसाइड है या मतलब एक दवा है जो कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, अब भी होती है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो मिट्टी का तेल और DDT इस्तेमाल करते हैं मच्छरों को मारने के लिए, बिफोर दे आर बिग इनाफ, इससे पहले कि वो इतने बड़े हो जाएं टू फ्लाई अवे, कि वो उड़ें एंड बाइट हेल्दी पीपल, और सेहतमंद लोगों को काटें। काशिफ, इफ एवरीबडी इन पाकिस्तान टेक्स पार्ट इन द फाइट अगेंस्ट मॉस्किटोज, अगर पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स मच्छरों के खिलाफ जंग में हिस्सा ले, वी विल सून गेट रिड ऑफ मलेरिया, तो सून का मतलब होता है जल्द, और गेट रिड जो टर्म है इसका मतलब है छुटकारा पा लेना। तो वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में हर शख्स मलेरिया के खिलाफ जंग में हिस्सा ले, तो हम जल्द ही मलेरिया से छुटकारा पा लेंगे। मदर, येस माई सन, हाँ मेरे बेटे, आई थिंक सो टू, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। वी शुड ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, हमें अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करनी चाहिए या तंदुरुस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए, एज क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि तंदुरुस्ती जो है, या जैसा कि तंदुरुस्ती जो है हजार नेमत है, इफ वी आर नॉट हेल्दी, अगर हम तंदुरुस्त या नहीं होंगे, वी वॉन्ट बी एबल, हम काबिल नहीं होंगे, किस चीज़ के काबिल नहीं होंगे, टू वर्क हार्ड, मेहनत करने के, स्टडी पढ़ने के एंड लर्न सीखने के। इट इज़ अंडरस्टूड कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हेल्दी होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आप तंदुरुस्त नहीं हैं तो आप ना ही अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ना ही मेहनत कर सकते हो, और ना ही उतने अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज़ योर असाइनमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to read this chapter once again by yourselves
ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाओ कि इसमें क्या बताया गया है. और सेकेंडली, आप यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज इन योर नीट कॉपीज. आपको नई कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट बुक के लिए. आप क्लास 8 में जो कॉपीज यूज़ कर रहे थे, आप उसी को आगे कंटिन्यू करोगे. एंड क्लास 8 में आपको पता है कि हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू मेक द टाइटल पेज इन अ वेरी प्रॉपर वे. राइट बोल्डली द यूनिट नंबर एंड यूनिट नेम. एंड यू कैन, हेयर इज अ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 67 इन योर बुक्स, विच इज सेइंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन द डिक्शनरी. It is your homework that you have to make a title page and write the word meaning on the next page. Thank you so much. I hope you have enjoyed the lesson. See you soon. Allah Hafiz.